सध्या सोशल मीडियावर काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याला ट्रोल केलं जाते, अर्थात खिल्ली उडवली जाते. पण सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ मोडतोड करून दाखवले जातात आणि त्याचंच हे उदाहरण. पाहूया नेमकं काय घडलंय. ऐसे ही उनके खेत को साबुत पानी नहीं पहुंचता, और जो पहुंचता है उसमें से भी आप बिजली निकाल लेंगे तो फसल क्या खाक होगी. शूल चित्रपटातला हा प्रसंग आठवतोय. पाण्यातली वीजच काढून घेतली तर शेतकऱ्यांना पाण्याचं काय उपयोग, असा हास्यास्पद प्रश्न सयाजी शिंदेंनी विचारला. आता या प्रसंगाची पुन्हा आठवण होण्याचं कारण म्हणजे अशाच अर्थाचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल झालाय. हा व्हिडिओ आहे काँग्रेस नेते अशोक गेहलोत यांचा. आता हाही व्हिडिओ पहा. ये बांध बना रहा है, उसमें बिजली घर बनाएगा, और जब पानी में जब बिजली निकल जाएगी, पानी खेतों में जाएगा, आपके खेतों में जाएगा, तो पानी में बिजली निकल जाएगी, उसकी ताकत ही खत्म हो जाएगी, तो आपके खेतों में पानी काम क्या आएगा. या व्हिडिओ नंतर अशोक गेहलोतांची नेटकऱ्यांनी खिल्ली उडवायला सुरुवात केली आहे. कुणी त्यांना शास्त्रज्ञ गेहलोत म्हटलंय, तर हॅशटॅग सायंटिस्ट गेहलोत हा हॅशटॅगही ट्रेंडिंग झालाय. पण हा तोडमोड करून अर्थात एडिट केलेला व्हिडिओ आहे. आता गेहलोत नेमकं काय म्हणाले ते ऐका. मुझे याद है बचपन में जब जनसंघ हुआ करता था, ये लोग भाखड़ा डैम बना था, यही जनसंघ वाले घूम घूम करके प्रचार करते थे कि पंडित नेहरू का दिमाग खराब हुआ है, ये बांध बना रहा है, उसमें बिजली घर बनाएगा, और जब पानी में जब बिजली निकल जाएगी, पानी खेतों में जाएगा, आपके खेतों में जाएगा, तो पानी में बिजली निकल जाएगी, उसकी ताकत ही खत्म हो जाएगी, तो आपके खेतों में पानी काम क्या आएगा. ये वो लोग हैं जनसंघ वाले. तो ये जो इनकी संस्कृति संस्कार जो बने हैं मोदी जी के और इनकी पार्टी के, उस रूप में बने हुए हैं, इसलिए इनको दोष देना तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में कहना पड़ता है, वरना इनकी संस्कार संस्कृति ऐसी बनी हुई है, इसलिए झूठ बोल जाते हैं. कभी मुखर्जी के बारे में मैंने पिछली बार आपको कहा था, कभी पंडित नेहरू या कांग्रेस कोई व्यक्ति गए ही नहीं, भगत सिंह यहाँ पर जितनी झूठ बोलते हैं, इनके संस्कार में बात आई हुई है. नेहरूंच्या काळात जनसंघ अशा प्रकारचा प्रचार करायचा, अशा संदर्भात गेहलोतांनी हे विधान केलं होतं. पण ते कापून तो व्हिडिओ व्हायरल करण्यात आलाय. या प्रकारामुळे भाजपचा खरा चेहरा समोर आलाय, अशी प्रतिक्रिया गेहलोतांनी दिली आहे. भाई इनके संस्कार जो अभी झूठ बोलते हैं, असत्य बोल के काम चलाते हैं, इनके चाल चरित्र चेहरे सबके सामने आ चुके हैं, तो मैंने कहा ये इनके लिए नई बात नहीं है, क्योंकि ये संस्कार बचपन से ऐसे ही पड़े हुए हैं, जब से ये जनसंघ का निर्माण हुआ है, ये मैंने कहा. अब उसको तोड़ मोड़ के करे तो उनकी मर्जी है. मैं तो समझता हूँ कि आज जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो बात मैं कहना चाहता था वो मीडिया ने उसको ढंग से उठाया नहीं था. आज सोशल मीडिया के माध्यम से इनके खुद के कारनामों से, मुझे साइंटिस्ट बनाने से मेरा काम हल्का हो. या आधीही इधर से आलू डालो तो उधर से सोना निकलेगा, असाही राहुल गांधी यांचा व्हिडिओ एडिट करण्यात आला होता. जसजसं 2019 जवळ येत आहे, तसं आता हे सोशल मीडियामधलं युद्ध आणखी रंगणार आहे. सूज्ञ मतदारांनो, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ. ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.